नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, जो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है नील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 7.87 रुपीज़ पे। मैं चाहता हूँ आप लोग चार्ट पे वहाँ पर चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -86.66%। 5 ईयर रिटर्न दिया है -83.60%। 1 ईयर रिटर्न दिया है 26.73%। रिलेटिव रिटर्न दिया है 16.94%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है 6.64%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है 56.77%। 5 डेज में रिटर्न दिया है -14.08%। एंड 1 डे में यहाँ पे कोई जानकारी है। रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है, रजिस्टर्ड है। एंगेज इन प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर बिजनेस, जो कि बिजनेस के लोन प्रोवाइड करती है। कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए लोन प्रोवाइड करती है। वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करती है। लोन फॉर परचेस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को परचेस करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। एंड मशीनरी को परचेस करने के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है। टर्म लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करती है। लोन फॉर परचेस ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लोन प्रोवाइड करती है। एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी करती है। इसकी जो मार्केट कैप है वो है 15.4 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है 7.87 रुपीज़ की है। इसका 52 वीक हाई है 12.04 रुपीज़ का। 52 वीक जो लो है 4.30 रुपीज़ का। स्टॉक की जो पी है 15.4 की है। बुक वैल्यू 28.6 रुपीज़ की है। की जो आर ओ सी है 3.58% की है। आर ओ जी है 1.75% की है। की जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की है। दूसरे चार्ट है नील इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे हैं पिछले साल हम काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। क्रॉस चेक करते हैं कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री लगभग मजबूत कंपनी है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.28 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक जो भी ट्रेड हो रहा है 0.28 टाइम्स की बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। क्रॉस चेक करते हैं टू द कंपनी इज रिपोर्टिंग लिमिटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -35.08% ओवर पास्ट 5 ईयर। जो 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -35.08% की। टोटल होल्डिंग इज लो 1.88%। टोटल सी होल्डिंग कम है 1.88% की है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 1.76% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम रहा है, 1.76% का रहा है। पीयर कंपनी से चेक करते हैं। यह कंपनी बेसिकली फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। इसकी जो इंडस्ट्री है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स की है। सेक्टर नंबर 1 कंपनी बजाज फाइनेंस है, देन बजाज फिनसर, उसके बाद SBI कार्ड्स है, देन मुथूट फाइनेंस है, देन HDFC AMC है, उसके बाद बजाज होल्डिंग्स है, मेचोरा बोल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है, नंबर 8 पे नील इंडस्ट्रीज है। इसका क्वार्टरली जस्ट चेक करते हैं। सेप्टेम्बर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो 3.10 करोड़ की थी, और जून 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो है 0.46 करोड़ की। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2009 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो 0.01 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो है 0.97 करोड़ की। अब इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स -25%, 5 ईयर्स -35%, 3 ईयर्स में है -47%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में 12%, 5 ईयर्स में है 4%, 3 ईयर्स में -5%। स्टॉक प्राइस CAGR 5 ईयर्स -30%,
3 years में माइनस 25%, 1 year में 27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 1%, 5 ईयर्स में 2%, 3 ईयर्स में 2%, लास्ट ईयर में 2%। पहले से चेक करते हैं, मार्च 2009 में जो टोटल एसेट्स थी वो थी 49.89 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है वो 58.55 करोड़ की। कैश फ्लो चेक करते हैं, मार्च 2015 में जो नेट कैश फ्लो था वो था -0.10 करोड़ का, और मार्च 2021 में जो नेट कैश फ्लो है वो है -0.04 करोड़ का। रेशियो चेक करते हैं, मार्च 2009 में जो इसकी आरओसी थी वो थी 0.08% की, और मार्च 2021 में जो इसकी आरओसी है वो है 3.58%। शेयरहोल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, दिसंबर 2018 में प्रमोटर पास जो शेयर थे 1.88% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में प्रमोटर पास जो शेयर हैं 1.88% शेयर्स हैं। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं, प्रमोटर पास बहुत ही कम मात्रा में शेयर हैं, 1.88% शेयर्स हैं। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास जो शेयर थे 98.12% शेयर्स थे, सितंबर 2021 में पब्लिक के पास जो शेयर है 90.12% शेयर है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं। तो जो मेजर शेयर होल्डिंग है पब्लिक के पास ही है। तो दोस्तों मैंने डिटेल एनालिसिस किया ईडी जस्टिस लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है, किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।